हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये था सुबह का नज़ारा सैमयोंग साउथ गोवा से और ये रहा मेरे रूम से इसका व्यू। ओह माय गॉड, दिस प्लेस इज़ लुकिंग सो ब्यूटीफुल एंड आई सीरियसली जेन्युइनली लव दिस प्लेस। और हम सुबह 5 बजे उठे थे सनराइज देखने के लिए, जो कि नहीं हो पाया। ऐसा पॉसिबल है हमारा पुपट हो गया, बट स्टिल कोई बात नहीं, आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल। ये था मेरा मॉर्निंग फेस एंड आई डोंट नो व्हाट टू डू नाउ, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना नज़ारे दिखा लिए जाएं। और नज़ारे दिखाना भी मुझे नहीं आता था, तो मैंने अपने हाथों से ये सब नज़ारे दिखा दिए और अब हम रेडी होके चले हैं बोट की सवारी के लिए। यही, और इसका आप GRWM मेरे YouTube चैनल पे ऑलरेडी देख चुके हैं। ये था हमारे साथ में जाने वाले दोस्त और यहाँ इनको देख लो, वैसे जैसे कैसे भी बैठे हों, लेकिन जैसे ही कैमरा सामने आता है इनकी शक्लें देखने वाली होती है। और इस आदमी को तो कोई मतलब ही नहीं था, इसको जाना था कसीनो, तो जब तक कसीनो नहीं गए इसकी शक्ल ऐसे ही रही थी पूरी ट्रिप में। इसने बोला मैं कसीनो में जाकर ही अपना चेहरा सही करूँगी। एंड नाउ दिस इज मी, कमेंट में बताइए मैं कैसी लग रही हूँ। और अब हमें ये लेकर जा रहे हैं अलग अलग बीचेस घुमाने। हम जाएंगे हनीमून बीच, और ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है मंकी बीच। और यहाँ पर मैंने भैया से पूछा, भैया क्या हमें यहाँ पे मंकी होते हैं? भैया ने बोला नहीं, इसका सिर्फ नाम मंकी है, बट यहाँ पे कोई मंकी नहीं होते। इसके बाद हम गए थे हनीमून बीच, जहाँ का हमें वीडियो नहीं बना पाई थी क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा फ्लो था और वहाँ पर हमने ज़्यादा देर नहीं रोकी थी। एंड उसके बाद हमने डॉल्फिन को देखा एंड नाउ डॉल्फिन को देखने के बाद हम लोग यहाँ पर आए और ये है बटरफ्लाई बीच। ये बीच इतनी साफ, इतनी सुंदर, इतनी प्यारी थी कि यहाँ पर ढेर सारी वीडियो बनाने से हम अपने आप को रोक ना पाए। और ये था इसका नज़ारा, यहाँ पर आप बोट के थ्रू आ सकते हो। यहाँ मेरी फ्रेंड की चप्पल आगे चली गई थी जिसको बचाते हुए बेचारी इतनी मेहनत कर रही है। ओहो हो हो हो, और यहाँ मेरा पजामा फट चुका था। शिट, मैं इतना फन, तभी मैंने आके घर पे जल्दी से ड्रेस चेंज करी और यहाँ मैं बैठी हूँ चेंज करके अपने ब्रीडिंग कराने के लिए। यहाँ ये कराते कराते मुझे इतनी धूप लग रही थी, तो मैं बार बार अपनी हैट को अपने फेस पे रख रही थी कि जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करो। और यहाँ हमने जिनसे ब्रीडिंग कराई थी वो दीदी इतनी सुंदर, इतनी प्यारी सी दीदी, क्यूट सी दी, और उनसे हमने ये ब्रेसलेट भी लिया और मेरी फ्रेंड मुझसे पैसे मांग रही थी और यहाँ मैं शो ऑफ करते हुए। ओ गॉड, बट सीरियसली आई लव दिस प्लेस। मेरे को साउथ गोवा में बहुत बहुत मज़ा आया, इतना सुकून है यहाँ। उसके बाद हम लोग गए लंच करने के लिए क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था और हमने सोचा किसी अच्छी सी जगह पे जाके हम कुछ खाएंगे, और वहाँ पर इतना गंदा खाना मिला है। नाउ दिस टाइम फॉर एगोंडा बीच, और यहाँ हम ऑटो में जा रहे हैं और मैं देखो ड्राइवर पे भैया के पास बैठी हुई हूँ क्योंकि पीछे बैठने की जगह नहीं थी और हमने तब तक गाड़ी भी रेंट पे नहीं ली थी। एंड नाउ दिस इज ऑन द बीच एवरीवन, इट्स इन साउथ गोवा एंड आई लव साउथ गोवा सो मच। साउथ गोवा, अगर किसी को सुकून पसंद है तो वो आए, फैमिली मेंबर्स जो हैं फैमिली के साथ आना चाहते हैं वो भी साउथ गोवा आ सकते हैं क्योंकि यहाँ पर क्लीनिनेस और बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और नॉर्थ गोवा इज़ यू नो सम ऑफ सॉर्ट ऑफ यू नो पार्टी पार्टी पार्टी, बट दिस साउथ गोवा इज़ अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। टाटा, टेक केयर, सी यू अगेन।